चुपकी सिंदूर मांग में दो चुपकी सिंदूर। सुनैना जी, हमें माया को इस घर की बहू बनाने में मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सुना तूने इसे देख, सोच क्या रही है? ये मत भूल के माया का एक्सीडेंट तेरी वजह से हुआ था। तेरी वजह से बड़े होने पे भी उसे बच्चों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। यूं समझ ले कि वो कर्ज उतारने का दिन आ गया है आज। बोल अपने पति विनायक से कि तेरा हाथ छोड़कर माया का हाथ थाम ले। और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जा सिद्धि। बोल, ऐसा कर सकती है अपनी बहन के लिए? क्या माया को विनायक की पत्नी बनाकर इस घर में समाज में मान सम्मान दिलवाएगी तू? जो भूल तुझसे 12 साल पहले हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है? आपके सवाल का जवाब सिद्धि ने, हम देंगे मां। ये सब लोग सही कह रहे हैं, हम ही बच्चा लेना। हमारे वजह से हुआ है ये सब कुछ। लिख दीजिए मेरे पति पर कि हम गुनेगार। रुक जाइए। माया, माया तू ये सब क्या बोल रही है? इसमें माया की कोई गलती नहीं, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं सिद्धि, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। सारी मुसीबत की जड़ हम ही है। नहीं माया, ये सच नहीं। सिद्धि और विनायक पति पत्नी तो दूसरी औरत हम ही हुए ना। हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे। तो आप लोगों को जो भी सजा देनी है वो हमें दीजिए। ये तो क्या बोल रही है माया? क्या हो गया तुझे? और हमारी माया इतनी बड़ी कब से हो गई कि घर परिवार के झगड़ों की जिम्मेदार खुद को मानने लगी? देख, तू इन सब से दूर रह, समझी? सिद्धि, सालों तक हमारी खुशियों के लिए तुम लड़ती आई हो, कितना कुछ सहा है तूने, पर अब हमारी बारी है। माया लगी। वाह सिद्धि वाह, क्या पाठ पढ़ाया तुमने हमारी बेटी को कि ये भी तेरी जबान बोलने लग गई है। इस पर भी तेरी तरह महान बनने का फितूर चढ़ गया है। कितना बड़ा दुख अकेले झेलने के लिए तैयार हो गई हमारी बेटी। क्या जादू टोना किया है तूने इसके ऊपर? और आप लोग, फैसला सुनाने का बड़ा शौक है ना आप लोगों को। अब आप ही बताइए, कितनी बदनामी होने के बाद कौन हाथ थामेगा इसका? कौन इसकी मांग में सिंदूर भर के इसे अपनी पत्नी बनाएगा? क्या भविष्य होगा इसका आज की घटना के बाद? आप लोगों ने तो फैसला सुना दिया कि विनायक को उसकी पत्नी मिल गई और सिद्धि को उसका पति। लेकिन माया को क्या मिला? सिर्फ आंसू और ये दुख दर्द। अरे
लोग तो यही कहेंगे ना कि अपने बहन के ससुराल में जीजा के घर रहकर उसकी सौतन बन गई है, बच्चन तो इसी को कहेंगे ना लोग। ये क्या कह रही है आंटी आप? माया कल भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आज भी है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि माया को हर वो खुशी दूंगा जो वो डिजर्व करती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा मैं। तो फिर ठीक है, 21 दिन का वक्त है आप दोनों के पास जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए, वरना अपने हाथों से अपनी बेटी के बाल काट के उसे सफेद कपड़े पहना के विधवाश्रम भेज देंगे हम। हमेशा हमेशा के लिए। क्या बोल रही है अम्मा? हम अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे माँ। कहने में और करने में फर्क होता है सिद्धि, अगर तुम सच बोल रही हो तो उसे साबित करके दिखाओ। हमें मंजूर है माँ। हमें अपने दोस्त और अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, हमें भरोसा है कि ये दोनों समाज और दुनिया में कभी भी हमारा सर झुकने नहीं देंगे, कभी भी हमें शर्मिंदा होने नहीं देंगे। अगर 21 दिनों में ये शर्त पूरी नहीं हुई तो हम खुद अपने बाल काटकर सफेद कपड़ा पहनकर विधवाश्रम चले जाएंगे। हाय हाय हाय, लड़की तूने तो हमारा दिल जीत लिया, आ तेरी नजर उतार ले। अरे हम तो कहते हैं कि बहन हो तो माया जैसी हो, पर तो बिल्कुल ना हो, है ना? देखा आप लोगों ने कैसे इसने सबके सामने कह दिया कि लिख दो हमारे माथे पे कि हम गुनहगार हैं। इससे ये तो साबित होता है कि भाई ये लड़की अपनी बहन सिद्धि को बहुत प्यार करती है। हाँ, अब देखना ये है कि सिद्धि के दिल में माया के लिए प्यार है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिद्धि के रहते हुए माया आश्रम नहीं जाएगी। हम जानते हैं कि 21 दिन से पहले तो खुद हमारी शादी विनायक से करवाएगी सिद्धि, तो खुद अपने हाथों से अपने पति का हाथ हमारे हाथों में सौंप देगी, क्योंकि अब हमें तेरे पति से प्यार हो गया है, और अब कुछ भी हो जाए हम विनायक को हासिल करके ही रहेंगे। हाय, पूजा की तैयारियां बहुत अच्छी, लेकिन इस घर की भलाई करने का तू कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रख कि इस घर की मालकिन बनने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। बुआ जी, हम कोई ढोंग नहीं कर रहे, आज सावन की एकादशी और कहते हैं आज के दिन सुहागन अपनी पति के सुख और उसकी लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखे और पूजा करे तो वो पूजा जरूर सफल होती, हम तो बस वही पूजा। पूजा? अरे आसान नहीं है ये पूजा, इस पूजा में बैठने से पहले कान खोल के सुन ले,
कि अगर मंत्रों को बीच में छोड़ा गया ना तो पूजा खंडित हो जाती है, और अगर गलती से भी पूजा खंडित हो गई ना तो उसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इस ढोंग के चक्कर में पूरे परिवार और विनायक पे खतरा बढ़ जाए। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, हम इस पूजा को पूरे विधि विधान से करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए हम इस पूजा को बीच में खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है बुआ जी, हम विनायक की पत्नी हैं, और अपने पति के सुख और उन पर आने वाली हर मुसीबत को टालने के लिए हम सावन की एकादशी पे 12 घंटे का निर्जरा व्रत भी रखेंगे, और उसे बिना किसी विघ्न के पूरा भी करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? नहीं, कुछ भी गलत होने से पहले हमें इस निर्जला पूजा को पूरा करके अपने सुहाग और ससुराल पे आने वाले हर विपदा को दूर करना होगा। माया तुम? माया सिद्धि कहाँ है? आप वो किसी काम में बिजी है, उसी ने मुझे भेजा है। अरे आप काम बाद में कीजिएगा, पहले खाना खा लीजिए। तुमने खाया? सिद्धि अगले 12 घंटे के लिए पूजा में बिजी है। वो वहां आपके सुख शांति के लिए ध्यान में मग्न रहने वाली है, और हम यहाँ आपके प्रेम में मग्न होने वाले हैं। माया क्या हुआ, तुम ठीक हो? हम ठीक है। चलो चलो आओ बैठो। आप रहने दीजिए। माया मैं करता हूँ। नहीं हमें अच्छा नहीं लगता, हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए, आप जाके खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। माया सचमुच कितनी बदल गई है। आज तो हम अपने प्यार को हासिल करके ही रहेंगे।
इतिहास गवाह है। जब जब किसी सुहागन ने देवी स्वरूप बन कर निर्जला पूजा की है, तब तब असुरों ने देवी स्वरूप सुहागन पर वार किया है। सिद्धि, तेरी जिंदगी का असुर तेरी जान लेने आ चुका है। घंटे वाला व्रत खत्म हो गया। हम जानते हैं ये गलत है, पर क्या करें, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। प्यार जो कर बैठे हैं हम आपसे, और अपने प्यार को पाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। आज हम आपको अपना बनाकर रहेंगे विनायक पांडे। होश में ना सही, बेहोशी में तो आप हमसे प्यार कर ही लेंगे। आज के बाद आप हमें अपने दिल और जिंदगी से कभी नहीं निकाल पाएंगे। आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब हमारे और हम आपके विनायक पे कोई खतरा आने वाला, जैसे कि उन्हें हमारी जरूरत। पूजा के 12 घंटे संपन्न हो गए, हम खुद जाके उनसे मिल के आते। कौन हो तुम जो असुर के भेष में हम पर वार करने आए हो? Oh!
विनायक। अरे ये क्या हुआ, बेहोशी की दवा का असर इतनी जल्दी कैसे कमजोर पड़ गया? कुछ कीजिए, कैसे भी विनायक को यहाँ भेजिए, नहीं तो असुर असुर के भेस वाला आदमी हमें मार डालेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.